कह रहे हैं कानून के राजा सुशासन यही है। रोज हत्याएं, रोज हत्याएं हर जिले में। पासवान जी से समझ ले, श्री चिराग पासवान, अभी इनको संविधान का कौन तजुर्बा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद जी हैं। रघुवंश प्रसाद जी, बिहार में इन दिनों पोस्टर बार है, हिसाब मांगा जा रहा है आपसे। 15 बरिस हुकूमत अब कह लिए, अभी तो बिहार के अब जान छोड़ दे। पोस्टर वार से चलाने से आई 15 बरिस पहले के गीत गाने से बचने वाले नहीं हैं। लोग खोज रहा है विधि व्यवस्था, कानून का राज। कह रहे हैं कानून के राजा सुशासन यही है। रोज हत्याएं, रोज हत्याएं हर जिले में, कोई नियंत्रण नहीं। ये बलात्कार, ये बैंक लूट, सोना लूट, सब जगह लूट मची हुई, कहीं कोई विधि व्यवस्था है? आप ही तो कहते हैं नीतीश कुमार को पाले में लाने के लिए। हम तो गैर भाजपा को एकजुट, चूंकि लड़ाई भाजपा से नहीं, क्या है भाई, भाजपा से हमारी लड़ाई है, तो उनको हम खत्म करना चाहते हैं, तो उनके तरफ ही हैं, तो उनने से इधर चले आवेंगे तो इन्हें कुछ हम बढ़ जाएंगे, वो घट जाएंगे। NRC को लेकर तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं 16 जनवरी से, इसको लेकर JDU ने कहा है कि तेजस्वी यादव को प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए। अब JDU वाले तो अपना गाली देने का काम करते हैं, तो अपना गाली देने, विपक्ष हम हैं तो हम अब क्या करेंगे। सरकार में जो है वो हुकूमत हुकुम चलावेगा, अब काम करेगा या नहीं करेगा जो जा करे। हम लोग तो विपक्ष हैं, हमारा धर्म है अपोज करने का। NRC से आतंक है लोगों में, और CAA से दुनिया भर में माथे पर कलंक लग गया, हिंदुस्तान के माथे पर, जिस सेकुलरिज्म पर खतरा हो गया, लोकतंत्र पर खतरा, संविधान पर खतरा। संविधान इजाजत नहीं देता इस तरह के कानून पास करने का। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगी। अब चिराग कानून समझ न लीजिए, क्या कानून बना है, कानून बना है से पढ़े हैं 3 देश का। श्रीलंका में हमारे तमिलियन को मारेगा तो हम उसको छोड़ कहेंगे न हो ही रहो, मार खाओ। बर्मा में होगा, नेपाल में होगा, भूटान में होगा, वहाँ के लोग को हम क्या कहेंगे, जे भागो यहाँ से। तो इसलिए ये उचित कानून नहीं है, समझें पहले, जानकारी ले लें। पासवान जी से समझ लें, श्री चिराग पासवान, अभी इनको संविधान का कौन तजुर्बा है। आखिरी सवाल है कि रांची में हर दिन लालू का दरबार लग रहा है, इसको लेकर JDU की तरफ से कह रहा है कि कानून का सबको पालन करना चाहिए, लालू जी को भी। अस्पताल में जो अस्वस्थ है उसको हर कोई के हाल चाल लेना है, उसमें जेल मैनुअल का कानून नहीं चलता, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जो अस्पताल में बीमार है, हर शुभचिंतक उनका हाल चाल लेगा कि नहीं? जेल के अंदर ना जेल मैनुअल चलेगा कि अस्पताल में, तो अस्पताल का कानून चलेगा। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने अपना परिजन के भी नहीं मिलने दिया, देखने दिया। हम गए, हालचाल हम कही, भाई हमको मिलना नहीं है, हम स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए हैं, नहीं बल आप इजाजत लीजिए केकरा से केकरा से। लेकिन डेली मुलाकात कर रहे लालू यादव, ये सही है, क्या दिक्कत है? अस्वस्थ हालत है कोई, अस्पताल में लोग है, तो उनको हालचाल शुभचिंतक लोग लेगा कि नहीं लेगा, ये तो व्यवहारिक बात है। कौन जेल मैनुअल नया बनाए हैं क्या वहाँ? चलिए, ये थे RJD के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद, जिन्होंने कई मुद्दे पर हमसे बातचीत की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन।